बंद करो। बीजेपी हाय 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 फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी हाय 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 हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। बंद करो। बीजेपी